Hello and alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Welcome to my class and please subscribe my channel. It is very important for the YouTuber. Please, 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 you have to subscribe. And first of all, I would like to tell uh, about a personality who gave his efforts for those people who want to do great something in his life. The name is Azhar Chaiwala. ही हैज़ अ व वेरी यूनिक नेम देस वाई आई टुक दैट टॉपिक और इसके अलावा ही इज़ अ बिजनेस मैन और ही अचीव्ड वेरी नाइस एंड ग्रेट थिंग्स इन अ वेरी अर्ली एज दर्स वाई आई टुक दैट टॉपिक यकीन की थोड़ा इन्फॉर्मेटिव भी होगा और इस पैराग्राफ में से हम कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच भी निकालेंगे जो हमारा मेन टॉपिक है नाओ वी आर स्टार्टड नाउ आजाद चाइवाला इज आ थर्टी एट यर्स सीरियल टैक इंटरप्रीप्रीनियोर Born in Manchester, UK to parents of Pakistani origin, he started his first business at the age of 12 and made his first million at the age of 21. Most importantly, a fact that Azad is quite proud of is that he does not have a degree. Wow, very, very impressive. Azad spent five years in Dubai, where he got married, took his group of sides to over 50 million unique visitors a month more recently having over 100 million app download to his name he feels he should concentrate his efforts into building something more meaningful many former ceos have gone on to pursue passions such as seeking green energy sources और इरेडिकेटिंग पॉवर्टी और मे बी इवन प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन वे इट्स मोस्ट नीडिड अजार टेबल्ड इन ऑल थ्री ऑफ फॉर्मर एंड सम जी ये पैराग्राफ था और बताया गया था जिसमें इनके इनिशियल स्टेप के बारे में और ये मिलीनरीज कब बने मतलब द एज ऑफ़ ट्वेल्व ऑफ माई गॉल इज वेरी इंप्रेसिव और दैस वाई टुक दैट टॉपिक अब हम लेते हैं इसमें से पैराग्राफ में से नाउन प्रोनाउन नाउन वर्ब एडवर्ब वर्प प्रापोजिशन कंजक्शन और इंटरजेक्शन सबसे पहले आज़ाद चाय वाला ये भी नाउन में आएगा स्टूडेंट तो हम कह सकते हैं कि आज़ाद आजाद जो है वो नेम है नाउन है और आपको पता है नाउन इस नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग उसके बाद इंटरप्रीन्यर ये भी एक नेम है और इसका मतलब कारोबारी कारोबार से निकलता है और इसके बाद हम कह सकते हैं कि यू के UK, और जो है यू के जो है वो भी एक नेम है जो बड़े स्पेलिंग में नहीं ले रही हूँ ताकि हमारे पास जगह है जो है वो कंप्लीट हो जाए उसके बाद जी है मानचेस्टर ये भी एक नाउन है और पाकिस्तानी ओरिजिन दिस नाउन ऑल्सो और दुबई ये भी एक नाउन है ठीक है जी फैक्ट ये भी एक नाउन है अब हम आ जाते हैं प्रोनाउन की तरफ इस पैराग्राफ में जो नाउन नाम की जगह पे यूज़ होते हो नाउन की जगह पे जो वर्ड यूज़ होते हैं वो प्रोनाउन हैं तो ही हिज मैनी ये जो है वो मोस्ट ये भी प्रोनाउन की जगह पे आ सकता है तो हम इसमें कहेंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोनाउन है जो प्रीम प्राइमरी प्रोनाउन है वो है ही हिज और उसके बाद मैनी आप जब इसको पढ़ेंगे तो आप भी देखिएगा इसमें से प्रोनाउन और मज़ीद कौन से निकल सकते हैं इसके बाद आ जाते हैं एडजेक्टिव पर सीरियल जो है जब आपको पता है नाउन या प्रोनाउन से पहले जो है वो एडजेक्टिव आता है जो नाउन और प्रोनाउन के मीनिंग में इजाफा करे तो यहाँ पे सीरियल का मतलब होता है सब सिलसावार तो सीरियल टैग इंटरप्रीन्योर तो यहाँ पे जो सीरियल है वो आ जाएगा एडजेक्टिव तो इसको हम कहेंगे सीरियल एडजेक्टिव है और फिर हम आ जाते हैं फर्स्ट ये भी एडजेक्टिव एजिक्टिव क्वांटिटी में आ जाएगा uh, so, यहाँ पे, यह, पे आएगा फर्स्ट अच्छा जी वर्ब में तो बहुत से वर्ब हैं इसमें आप देख लें जी इसमें जो फर्स्ट है जी स्टार्ट start है स्टार्टिड ये जो है ये वर्ब आ जाएगा स्टार्टिड के बाद मेड वर्ब है वर्ब ऐसे अल्फाज को कहते हैं जो सब्जेक्ट के काम को ज़ाहिर करे वो जो काम करते हैं उसके एग्जिस्टेंस को जाहिर करें ओके नाव और इसके अलावा जो है यहाँ पे गॉट है वो भी वर्ब में आ जाएगा अब एडवर्ब देखते हैं हम मुझिए एडवर्ब कौन से हैं इसमें मोस्ट जो है वो एडवर्ब होगा और इम्पोर्टेंटली भी जो है वो एडवर्ब होगा इम्पोर्टेंटली ओके okay, जी नेक्स्ट हम करते हैं प्रेपोजिशन पे प्रपोजिशन में इन uh, हो गया ऑफ हो गया टू ये सब प्रेपोजिशन है हर उफे जार बोलते हैं इसको टू इन ऑन ऑफ इट इज सी ओके कंजक्शन जो टू वर्ड्स को टू सेंटेंस को टू क्लॉज को मिलाते हो वो कंजक्शन है इसमें एंड आ जाएगा वियर आ जाएगा दैट ए टी इसलिए कह रहे हैं कि इसमें बहुत से और भी हो सकते हैं ये आपको सिर्फ इनिशियल स्टेप बता रहे हैं कि जो अल्फाज को जोड़ दे वो कं, कंजेक्शन है इंटरजेक्शन इसमें इसमें आप शुरू से एंड तक पढ़ेंगे सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अक्सर मैंने पैराग्राफ में देखा है कि मुझे नहीं मिल पाते हैं इंटरजेक्शन होते भी मजीद बहुत से हैं लेकिन आपको मैं बता दूँ कि जो डन फीलिंग को ज़ाहिर करे या अचानक सैड और हैप्पीनेस और आप वंडर हो जाएँ और उसका एक्सप्लेमेटरी मार्क्स होता है वन uh, के बाद डॉट होता है उसमें हुर्रा आ जाता है या अलास ये इसके कॉमन एग्जाम्पल्स हैं जो अभी हमारे पास नहीं है लेकिन ये मैं साथ के साथ लिख लेती हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि ये भी होता है जी हम लोगों ने थोड़ा सा बायोग्राफी पढ़ी है और थोड़ा सा इसको हमने कंप्लीट किया है और प्लीज़ अगर इस तरह का टॉपिक आपको पसंद आए तो प्लीज़ 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 प्लीज, मेरे चैनल को लाइक भी कीजिए और इसको सब्सक्राइब भी कीजिए और इसको कमेंट्स भी दीजिए अगर कोई सजेशन आप ना चाहें थैंक यू वेरी मच टिल देन अल्लाह हाफिज़